आगे बढ़ेंगे और अब खबर वो जो देश भर में लोगों की जुबान पर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेप और मर्डर केस के बाद लगातार विरोध भी देश में देखने को मिला। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इन सब के बीच ही सुप्रीम कोर्ट पर आज निगाहें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को देखा सुना जो देश भर में लोगों ने आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया। डॉक्टर्स की संस्थानों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों से जो डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और आईएमए ने भी 24 घंटे का जो राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया था उसका असर अब पड़ रहा है। जिस तरीके से ये प्रदर्शन बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान दिया और आज इस मामले पर सुनवाई का दिन है। कोलकाता जहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ही निर्ममता के साथ ये सभी जुल्म ज्यादती हुई, दुष्कर्म भी हुआ, हत्या भी कर दी गई और जिस हालत में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला उससे सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कई बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है और अब देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की बात भी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामला सुना जाना है। कोलकाता से मेरे संवाददाता रौनक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रौनक, लगातार आप इंडिया न्यूज के दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं पहले दिन से लेकर आज तक। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। एक शख्स था या एक से ज्यादा थे शरीर पर अलग अलग घाव देने के लिए, चोट देने के लिए, यह अभी भी अनसुलझा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला सुना जाएगा। उधर खबर अब निकल कर ये भी सामने आ रही है कि पर्सनल डायरी मिली ट्रेनी डॉक्टर की, लेकिन कुछ पन्ने फटे हुए हैं। जो फोन जब्त किया गया, क्या उससे ऐसी कोई जानकारी मिली जिससे क्लू मिल सके हमलावरों को लेकर या रेपिस्ट को लेकर, या किसने जान ली उस हत्यारे को लेकर, या अकेला वो संजय रॉय है? क्योंकि संजय रॉय के अब कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो बयान दे रहे हैं कि संजय रॉय का नेचर क्या रहा है, अपनी पत्नी को भी इसने पीटा है। एकदम, देखिए बहुत सारे पहलू है जो अभी सुलझाना बाकी है सीबीआई को, क्योंकि ये जो पूरा मामला, ये मामले में संजय रॉय जो मेन एक्यूज है इनको लेकर ही सवाल आता है, क्योंकि संजय रॉय का सीबीआई का सूत्र पर जो खबर मिल रहा है कि संजय रॉय का जो बयान जो कोलकाता पुलिस के पास वो दिया था और जो सीबीआई के पास वो दिया था वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों में बहुत सारे फर्क है। और उसके साथ साथ ही संजय रॉय जो टाइम लाइन का बात कर रहे हैं कि जो टाइम में वो आरजीकौर मेडिकल कॉलेज में आए थे, मगर उसी टाइम का सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है कि संजय रॉय कोलकाता के दूसरे साइड में, साउथ कोलकाता में वो मौजूद थे। इस तरीके का जो सबूत जो सीबीआई के पास अभी तक मिला है और उसी बेसिस पर संजय रॉय को अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट देना पड़ेगा। सीबीआई की तरफ से कल सियालदह कोर्ट में अपील किया गया था कि संजय रॉय को पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं सीबीआई, उसका अपील को अप्रूव किया है कलकत्ता सियालदह कोर्ट ने। कलकत्ता सियालदह कोर्ट के मुताबिक जो पॉलीग्राफिक टेस्ट संजय रॉय को किया जा सकता है और उसके बाद ही आज या कल, ये दोनों दिन के अंदर है पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जो प्रोसीड्योर होता है वो कंप्लीट करेगा सीबीआई और उसके बाद ही संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट के माध्यम से सीबीआई जानने की कोशिश करेगा कि संजय रॉय जो बयान दे रहा है वो सही है कि नहीं, मगर दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन उस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगा वो है संजय रॉय के अलावा भी और एक लोगों को पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई, वो है आरजीकौर मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल संदीप घोष। ये संदीप घोष का मामले में भी अभी सीबीआई के सूत्र में जो खबर मिल रहा है, ये मामले में भी संदीप घोष को लगातार 4 दिन पूछताछ में भी सेटिस्फाइड नहीं है सीबीआई ऑफिशियल, और इसी वजह से संदीप घोष को भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का अपील आज सियालदह कोर्ट में कर सकते हैं सीबीआई ऑफिशियल। सीबीआई के तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो संदीप घोष के तरफ से जो 2-3 बयान दिया जा रहा है, 2-3 रकम का बयान है, यानी पहले संदीप घोष बोल रहा था कि संदीप घोष को उस घटना के बारे में मालूम नहीं है, दूसरे बार संदीप घोष की तरफ से कहा गया कि उसी टाइम में वो दूसरा काम पे बिजी था, उनके पास इंफॉर्मेशन कब आया इसका भी जो टाइम, वो टाइम भी बार बार से अलग अलग बता रहा है संदीप घोष, और इसी वजह से संदीप घोष को भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं सीबीआई और आज ही सियालदह कोर्ट में वो लोग अपील कर सकते हैं संदीप घोष को जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, क्योंकि संदीप घोष का जो मोबाइल टावर लोकेशन वो कोलकाता पुलिस की तरफ से मांगा गया है, कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई की तरफ से कोलकाता पुलिस को बोला गया है कि वो भेजने के लिए, और उसके साथ साथ ही मोबाइल जो कॉल डेटा, कॉलिंग जो डेटा है संदीप घोष का वो भी छाना जा रहा है, व्हाट्सएप डेटा वो भी छाना जा रहा है।
मगर दूसरी तरफ अगर ये विक्टिम के बारे में बताया जाए तो विक्टिम का एक डायरी बरामद हुआ है, जिस डायरी का 2-3 पन्ने पन्ना पड़ा हुआ है, और इसी वजह से सीबीआई को लगता है कि वो 2-3 जो पेज, वो 2-3 पेज में इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है। फैमिली की तरफ से भी बहुत सारे चीज सीबीआई को बोला गया है, और इसी बात को लेकर कल करीब 6.5 घंटा परिवार के साथ बातचीत किया सीबीआई, विक्टिम का परिवार के साथ सीबीआई की तरफ से बातचीत किया गया। बहुत सारे सवाल सीबीआई के मन में था, वो क्लैरिफाई किया गया। फिर से देखा गया कि फॉरेंसिक टीम भी लड़की के घर में पहुंची है, लड़की के घर में पहुंच के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किया गया। यानी ये जो पूरा मामला, ये पूरा मामले को लेकर सीबीआई अभी पूरा एक्टिव मोड में बोल सकते हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से लगातार 3 टीम में बटे हुए हैं सीबीआई, तो तीनों तरफ उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक टीम रॉनी के सबके बीच ही जो संजय रॉय है, जो मेन आरोपी कहा जा रहा है, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी करने की तैयारी है, उसकी सास कह रही है कि दूसरी शादी उसने मेरी बेटी से की, मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ मारपीट की, उसका मिसकैरेज भी हो गया, और वो कह रही है बिल्कुल उसे सजा होनी चाहिए, अगर उसने एक कृत्य किया है तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो मेरी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं था। यानी संजय रॉय की भी अपनी हिस्ट्री है, जिसको लेकर उसके रिश्तेदार भी नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए। रौनक, नजर आप रखिएगा आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप